नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। एथेनॉल और स्पंज आयरन प्लांट के खिलाफ क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हजारों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम पथरा और रांका में प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट और सरदा में स्पंज आयरन प्लांट की स्थापना को लेकर पिछले 33 दिनों से ग्राम पथरा में धरना जारी था। महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर अपनी मांगों को आगे रखा। कलेक्टर रणबीर शर्मा स्वयं ग्रामीणों से मिलने पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बातों को अस्वीकार करते हुए मुख्य द्वार पर धरना जारी रखा, जिससे जिला संयुक्त कार्यालय में आवाजाही बाधित हो गई। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल भी तैनात किया। बेमित्रा से ईश्वर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए थे जन जागरण और प्रदर्शन के तहत, और कलेक्टर साहब को हमने कागज दिया है कि सन 2022 में पुराने सरकार के समय में जो डायवर्सन हुआ था, 2022 में तत्कालीन एसडीएम ने जो पथर्रा के बायोटेक फ्यूल्स के आवेदन में जो डायवर्सन का ऑर्डर दिया है वो पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोसीडिंग में 18/4 को कोई दावा इश्तिहार प्राप्त तो नहीं लिखा, जबकि पेपर में प्रकाशन 19/4 को हुआ, वो भी ऐसे पेपर में हुआ तरुण छत्तीसगढ़, जिसका सर्कुलेशन पथर्रा और आसपास के गांव में आई ही नहीं। और इस प्रकार से पूरा अवैध काम किया गया है, जगह जगह काट छाट की गई है, आवेदन 11/4 को दिया और प्रोसीडिंग 1/4 से चालू कर दिया है। अच्छा, ये बताइए अभी क्या स्थिति है, क्या कैसे निर्णय लेंगे? हम कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं, प्रथम दृष्टिया पूरा फॉल्ट दिख रहा है डायवर्सन में, अविलंब तालाबंदी होना चाहिए, जांच की प्रक्रिया चलते रहे, हमको ऐतराज नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टिया जब इतना बड़ा फॉल्ट है और पुराने सरकार के अनुरूप ये प्रशासन चलेगा क्या? जब हमने नया जनादेश दिया है तो पुराने सरकार के अनुरूप क्या प्रशासन चल रहा है? सरकार को नए सरकार। ग्रामीणों का कहना था कि जिले में कोई भी फैक्ट्री और उद्योग नहीं लगने चाहिए, और उनकी प्रमुख मांग ये थी कि जो भी उद्योग लगे हुए हैं वो भी बंद होने चाहिए, और जो लग रहे हैं उनका भी निर्माण जो है वो स्थायी रूप से रुक जाना चाहिए। तो मैंने उनका ज्ञापन लिया है और जांच कमेटी भी बैठाई है, जॉइंट कलेक्टर जांच करेंगे, और यदि कहीं कोई नियमों का उल्लंघन होगा तो फिर आगे उचित कदम उठाएंगे।